शाजापुर जिले की तिलावत मैना पंचायत का मुख्यमंत्री द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोकार्पण किया जाना था, लेकिन मुख्यमंत्री द्वारा मात्र 4 पंचायतों में ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की गई एवं उनका लोकार्पण किया गया। वहीं तिलावत का नंबर आने से पहले ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग खत्म हो गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि समय की कमी है और 11 बजे प्रधानमंत्री सभी मुख्यमंत्री से बात करेंगे, इसलिए लोकार्पण राज्य शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार द्वारा फीता काटकर किया गया। वहीं कार्यक्रम में कुछ बातें देखने को मिली जिसमें बीजेपी के जिला पंचायत सदस्य उपस्थित नहीं रहे। लोकार्पण कार्यक्रम में उनका नाम तो देखने को मिला, लेकिन मनमुटाव के चलते वह कार्यक्रम में नहीं आए। वहीं कांग्रेसी विधायक कुणाल चौधरी भी कार्यक्रम से दूरी बनाए रखी और वहीं कार्यक्रम में उपस्थित नहीं रहे। ग्राम पंचायतों के द्वारा जो निर्माण कार्य किए गए हैं उनका लोकार्पण का कार्यक्रम माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा वर्चुअल के माध्यम से किया गया है। आज ये एक बड़ा कार्यक्रम जो हमारे ग्राम आबादी क्षेत्र है उसमें अभी तक किसी को अपने स्वामित्व का अधिकार का पट्टा नहीं होता था, उसके आधार पर कोई भी मकान मालिक मकान पर ऋण ले सकता था। आज पूरे देश भर में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सभी लोगों को स्वत्व का अधिकार दे रहे हैं, वो पट्टा वितरण करने का अभियान चलाया जा रहा है। अब पूरे देश में जिस प्रकार से शहरी क्षेत्रों में लोग अपना नक्शा पास करवा करके अपने मकान के लिए लोन आदि लेने का काम कर सकते थे, अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी गाँव के लोगों को अधिकार दिया जा रहा है, अब लोगों को सुविधा से लोन उपलब्ध हो सके। वही मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि पूर्व की कांग्रेस सरकार में जो पंचायत से संबंधित कामकाज पूरे ठप हो गए थे, इसमें दोबारा से चालू हुए तो कहीं ना कहीं ग्राम स्तर पर इसका लाभ मिलेगा। सब लोगों को मालूम है 1.25 साल की कमलनाथ जी की सरकार ने पंचायतों में 1 रुपये की राशि भी नहीं डाली थी। शिवराज सिंह चौहान जब मुख्यमंत्री थे वो राशि डालकर गए थे, उसी के सारे विकास के कार्य है। और उसके बाद में जब वापस 1.25 साल के बाद वो मुख्यमंत्री बने तब से ही पंचमेश्वर वित्त की 14 वित्त की राशि 15 वित्त की राशि डालने का काम प्रारंभ किया गया है। तो लोगों को सब सरपंच को मालूम है, सचिव को मालूम, गाँव गाँव के लोगों को मालूम है कि कमलनाथ की सरकार ने पंचायतों के साथ भेदभाव किया, उनको उनका हक का पैसा भी नहीं दिया। चुनाव में चुनाव मुख्य हम सबको मालूम है हमारे 80 से 90% 100% सोयाबीन में नुकसान हुआ है। मध्य प्रदेश की सरकार बीमे के साथ साथ RBC 6-4 के प्रावधानों के अनुसार बहुत जल्दी उसका पूरा आकलन की रिपोर्ट जाने के बाद में सारे मध्य प्रदेश के लोगों को लगभग 4,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में इसकी राशि डालने वाली। शाजापुर से दिलीप सौराष्ट्र की रिपोर्ट।